हेलो दोस्तों मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भाता क्यों में हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज पेपर जयपुर एडिशन सत्ताईस तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लॉट लॉट टू टू नो एंड रही तो है आज का डिस्कशन पेज नंबर हम पर बात की जा रही है किसान आंदोलन के चलते राजस्थान में एक पार्टी है इसका नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नाम जरूर याद रखिएगा ये राजस्थान से संबंधित पार्टी है तो यहाँ पर इन्होंने केंद्र सरकार से अपना गठबंधन तोड़ दिया है ये जो पार्टी है इस पार्टी के हेड हैं हनुमान बेनीवाल जी जो कि वर्तमान में एक सांसद हैं हनुमान बेनीवाल तो उन्होंने कहा है कि वो अब अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं केंद्र सरकार से किसान आंदोलन के चलते ये भी अभी आंदोलन में शामिल हो गए हैं ये आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर है यहाँ पर तो ये कुछ घटनाक्रम है आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बारे में पेज नंबर उन पर बात की जा रही है यह बात की जा रही है जबरदस्त जापान अंतरिक्ष में जाएगा लकड़ी का सैटेलाइट अब ये बात की जा रही है कि सैटेलाइट तो बहुत भेजे गए हैं स्पेस के अंदर यूएसए के द्वारा जापान कई देशों के द्वारा भेजे गए हैं लेकिन अब बात की जा रही है लकड़ी का सैटेलाइट तो ये अपने आप में नई एक पहल होगी लकड़ी का सैटेलाइट इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे देशों ने इतने सारे सैटेलाइट भेज दिए हैं तो एक प्रकार से एक पूरा मतलब वेस्ट इकट्ठा कर दिया है स्पेस के अंदर सैटेलाइट भेज भेज के तो ये चाह रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का सैटेलाइट भेजा जाए कि जब उसकी उम्र पूरी हो जाए सैटेलाइट की लाइफ पूरी हो जाए उसका काम खत्म हो जाए तो वो स्पेस में स्वतः ही नष्ट हो जाए यहाँ पर क्या होता है इस प्रकार के जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं अभी तक जो भेजे जा रहे हैं ये पूरा कचरा इकट्ठा होता रहता है फिर ये नीचे स्पेस से जो कचरा है जो काफ़ी टाइम बाद जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर ये नीचे समुद्र में भी गिरता है इसमें से कुछ कचरा तो इस प्रकार के इस वेस्ट को कम करने के लिए ये एक नई पहल स्टार्ट की जा रही है जापान के द्वारा तो 2023 के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि ये कुछ लकड़ी का बना हुआ देख सकते हैं आप ये बॉक्स में दिखाया है सेटेलाइट ये भेजने की तैयारी में है पेज नंबर तीन पे बात की जा रही है यह है सरोही में दो बच्चों के देखिए मादा भालू तो भालुओं की बात की जा रही है तो मैं आपको बता दूं हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्लॉथ बियर यानी कि ये भालू की जो डेंसिटी है यानी घनत्व है सबसे ज़्यादा तो वो मिलता है सरोही राजस्थान के अंदर सिरोही राजस्थान के अंदर मिलता है माउंट आबू सरोही जिला के अंदर आता है तो आपको पता होना चाहिए स्लॉथ बियर के बारे में भालू को स्लॉथ बियर बोलते हैं इंग्लिश में पेज नंबर सात पे बात की जा रही है ये हैं बास्केटबॉल के एक बेहतरीन प्लेयर इनका नाम है केसी जॉन्स अट्ठासी साल की उम्र में उनका निधन हो गया है तो ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे बास्केटबॉल से बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं केसी जॉन्स और इनको हॉल ऑफ हॉल ऑफ से हॉल ऑफ फेम सॉरी यहाँ पर लिखना मिस्टेक हो गई लिखने में हॉल ऑफ फेम से भी इनको सम्मानित किए रह चुके हैं ये ये के सी साहब जो हैं तो इनका निधन हो गया है अट्ठासी साल की उम्र में बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है अपने जीवन के दौरान इन्होंने तो यूएसए के खिलाड़ी हैं के सी अच्छा इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि बास्केटबॉल राजस्थान का स्टेट गेम है ये भी आप नोट कर लीजिए बास्केटबॉल राजस्थान का स्टेट गेम स्टेट गेम है और यहां पे ये जो खिलाड़ी हैं इनका संबंध बास्केटबॉल से ही है और यूएसए के खिलाड़ी हैं केसी जोन्स अच्छा एक और क्वेश्चन बताइए हाँ राजस्थान का स्टेट गेम तो हो गया मेरे को आप यूएसए का स्टेट गेम यूएसए का नेशनल गेम भी बताइए कि वो क्या है यूएसए का नेशनल गेम क्या है कमेंट ऑक्सन कमेंट करके बताइए पेज नंबर आठ पे बात की जा रही है ये बात की जा रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है उसको लेकर के रिफॉर्म जो किए जा रहे हैं तो छह राज्यों ने रिफॉर्म्स को अपनाया ईज ऑफ डूइंग को लेकर के तो उसमें राजस्थान भी शामिल है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तेलंगाना तमिलनाडु मध्य प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश राजस्थान तो ये कुछ इसकी बात की जा रही है देख लेते हैं ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म के बारे में कुछ चीज़ें तो ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस रिपोर्ट प्रतिवर्ष विश्व बैंक निकालता है इस रिपोर्ट में 2020 में भारत की जो रैंकिंग रही है वो तिरसठ रैंकिंग रही है मतलब रैंकिंग में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है भारत की दर मतलब हर वर्ष बहुत अच्छा सुधार हो रहा है भारत की रैंकिंग में तो ये शो करती है कि मतलब कितनी ईजी है किसी देश के अंदर बिजनेस को स्टैब्लिश करना बिजनेस को रन करना तो ये सारी चीजें बताती हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कैसा है उस देश के अंदर तो इसके बारी बारे में पता होना चाहिए कि कौन इसको निकालता है भारत की रैंक वर्तमान में कितनी है पेज नंबर आठ पे बात की जा रही है ये एक पिक्चर है यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बड़ा ही अजीब अटल जो टनल है उसमें डांस किया है कुछ लोगों ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है दस लोगों को देख लेते हैं अटल टनल इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट ये न्यूज में आई थी तो अटल टनल इसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है ये एक हाईवे टनल है यानी कि हाईवे जैसी हाईवे बनाई गई टनल है ये तो इससे होता है क्या है कि ये लेह और मनाली के बीच में लेह को मतलब मनाली को लेह से कनेक्ट करती है और ट्रेवल टाइम को कम कर देती है ये टनल इसकी लंबाई तकरीबन 9 किलोमीटर की लंबाई है अटल टनल की लंबाई जो है और ये पीर पंजाल रेंज है हिमालय की रेंज है चार इंपॉर्टेंट पांच रेंज है सॉरी उसमें से पीर पंजाल रेंज में स्थित है अटल टनल सबसे ऊपर है आपकी लद्दाख रेंज नीचे जास्कर रेंज पीर पंजाल धौलाधर उसके बाद शिवालिक ये पांच रेंज है तो सबसे नीचे शिवालिक आती है तो ये पीर पंजाल रेंज में स्थित है अटल टनल ये भी आपको पता होना चाहिए ट्रेवल टाइम को कम कर देती है इसके इसके जरिए तो ये इस प्रकार से इन्होंने कुछ यहाँ पे डांस किया है इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया यहाँ पे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि आपको पता है टनल के अंदर तो मतलब पूरा हाईवे टनल है तो ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा होता है तो इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के पुलिस ने वहाँ पर एक्शन लिया है तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए पेज नंबर आठ पर बात की जा रही है 2004 में सुनामी आई थी तमिलनाडु वाले एरिया में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी सुनामी ने, सुनामी ने उस वक्त तो ये 2004 का वस् था तो वहां पे अभी पुष्पांजलि दी जा रही है ये सुनामी को लेकर के तो भारत में 2004 हजार चार में सुना, सुनामी आई थी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अब इस सुनामी के आने से होता क्या है कि भारत में ये डिमांड हुई कि इस प्रकार के डिजास्टर जो होते हैं उनको निपटने के लिए उनसे निपटने के लिए क्या प्रोविजन है भारत के पास तो फिर एक एक्ट लाया गया है दो में आपदा प्रबंधन एक्ट यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में लाया गया तो इस एक्ट का जो बेसिस था उद्देश्य था वो इसीलिए लाया गया ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट को डील किया जा सके क्योंकि 2004 में भारत ने फेस किया था सुनामी से कितना बड़ा नुकसान हुआ था मतलब जन का धन का सब नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था सुनामी से तो दो में इस प्रकार का एक, एक एक्ट लाया गया आपदा प्रबंधन एक्ट तो ये आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कब आया था 2004 में सुनामी आई उसके अगले ही वर्ष आपदा प्रबंधन एक्ट लाया गया 2005 में पेज नंबर आठ में बात की जा रही है काबुल के अंदर बम धमाके हुए तो काबुल यानी कि बात की जा रही है अफगानिस्तान की काबुल इसकी राजधानी अफगानिस्तान की देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भारत और अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट दोनों ही दोनों प्लेयर हैं दोनों ही देश हैं और नेचुरल एल भी हैं ये पुराने समय से अगर आप एंशियंट टाइम में देखते हैं तो दूसरा फैक्ट ये है कि सार्क देशों की सूची में अफगानिस्तान भी शामिल है यानी कि सार्क देश जो है उसमें टोटल आठ देश हैं आठ देशों में अफगानिस्तान भी शामिल देश है ये भी आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट परियोजना है भारत की एक तापी प्रोजेक्ट तापी प्रोजेक्ट क्या है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया ये चार देश हैं यहां पे इसमें होकर रहा है तापी प्रोजेक्ट में नेचुरल गैस पाइपलाइन के थ्रू लाई जा रही है कैसपियनसी से इंडिया के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है ये सी आपको पता होना चाहिए सी की लोकेशन कहाँ है ईरान के जस्ट ऊपर है सी तो वहाँ से ये नेचुरल गैस लाई जा रही है पाइप के थ्रू तो ये चार देशों से गुजर रही है ये गैस तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है देश है ये इसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है अफगानिस्तान को इसके अलावा लैंड लॉक कंट्री आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है पूरा कहीं भी सी से कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान और भारत का एक चहावार पोर्ट है ईरान के अंदर तो उस पोर्ट के थ्रू सेंट्रल एशिया भारत जाना चाहता है वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट प्लेयर है अफगानिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान के थ्रू ही एक रास्ता निकलता है जो कि सेंट्रल एशिया में भारत को ट्रेड में मजबूती दिलाता है मतलब भारत की चीज़ें वहाँ पे जा सकेंगी सेंट्रल एशिया के अंदर तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अफगानिस्तान भारत के लिए इसके अलावा इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम है एक इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम है इसको सलमा डैम के नाम से भी जाना जाता है इसका पुराना नाम था सलमा डैम तो ये भी भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती के मद्देनज़र इस प्रकार का नाम दिया गया इसको इंडिया अफगान फ्रेंडशिप डैम या इसको सलमा डैम के नाम से भी जाना जाता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि भारत और अफगान के रिलेशन के बीच में इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं जानी जाती हैं तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए नोट जरूर कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा सा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें आप मुझे अपने तो सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ई भी कर सकते हैं इसी के साथ धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में